हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 30K के अंडर में आने वाले टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन को कवर करने वाले हैं। लिस्ट में हमने सारे ही 5G फोन्स को सेलेक्ट किया है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पर आता है पोको F4। इसमें हमें मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ। 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे आप इसे आउटडोर में भी बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। HDR 10 प्लस सर्टिफिकेशन मिलता है, डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। कैमरे की बात करें तो 64MP का मेन, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो मिलता है 12MP सेल्फी कैमरा के साथ। इसके मेन कैमरे से आप 4K 60fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से 1080p 30fps तक। प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 870 पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। LPDDR5 रैम मिलती है, UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, 4500mAh की बैटरी मिलती है 67W फास्ट चार्जिंग के साथ। OS की बात करें तो MIUI 13 मिलता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 पर बेस्ड है। 10 5G के बैंड्स मिलते हैं, 3GB की वर्चुअल रैम मिलती है, IP52 रेटिंग मिलती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। इसके 8 128GB वाले वेरिएंट का करंट प्राइस 25,499 रुपीज़ है। लिस्ट में नंबर 4 पर आता है Realme 9 Pro Plus 5G। इसमें हमें मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ। कैमरे की बात करें तो 50MP का मेन सोनी IMX766 विद OIS मिलता है, 8MP अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का मैक्रो कैमरा 16MP सेल्फी कैमरा के साथ। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 925G प्रोसेसर मिलता है, LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, 4500mAh की बैटरी मिलती है 60W फास्ट चार्जिंग के साथ। UI की बात करें तो Realme UI 3.2 मिलता है, जो लेटेस्ट Android 12 पर बेस्ड है। 5G के बैंड्स मिलते हैं, 3.5mm जैक मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इस मोबाइल में हमें कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है। इस मोबाइल के 8 128GB वाले वेरिएंट का करंट प्राइस 25,999 रुपीस है। लिस्ट में नंबर 3 पर आता है मोटोरोला एड्स 30। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ। 50MP का मेन कैमरा मिलता है विद OIS, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का डेप्थ, 32MP सेल्फी कैमरा के साथ। इसके फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे से आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 778G प्लस 5G प्रोसेसर मिलता है। ये वर्ल्ड का ऐसा पहला स्मार्टफोन है जो 778G 5G प्लस प्रोसेसर के साथ आता है। LPDDR5 रैम मिलती है, UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, HDR 10 प्लस सर्टिफिकेशन मिलता है, जिससे आप Netflix, Amazon Prime Video वगैरह पर HDR में कंटेंट प्ले कर सकते हैं। 4020mAh की बैटरी मिलती है 33W फास्ट चार्जिंग के साथ। डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिलता है विद Snapdragon साउंड। फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, बैक में PMMA विद मैट फिनिश। UI की बात करें तो स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट मिलता है, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है। 13 5G के बैंड्स मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है। इस मोबाइल में हमें 2 ईयर्स के एंड्रॉयड अपडेट एंड 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। इसके 8 128GB वाले वेरिएंट का करंट प्राइस 28,499 रुपीस है। लिस्ट में नंबर 2 पर आता है आईको न्यू 6 5G। इसमें हमें मिलता है 6.62 इंच का E4 AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 1200 हर्ट्ज इंस्टेंट एंड 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ। HDR 10 प्लस सर्टिफिकेशन मिलता है, जिससे आप Netflix, Amazon Prime Video पर HDR में कंटेंट प्ले कर सकते हैं। 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे आप इसे आउटडोर में भी बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट में स्कॉट कॉन्सिएशन की प्रोटेक्शन मिलती है। कैमरे की बात करें तो 64MP का मेन सोनी IMX766 विद OIS मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का माइक्रो कैमरा 16MP सेल्फी कैमरा के साथ। इसके मेन कैमरे से आप 4K 60fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं एंड फ्रंट कैमरे से 1080p 30fps तक। Qualcomm Snapdragon 870 पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 7nm बेस्ड प्रोसेसर है। इसके एंटूटू स्कोर की बात करें तो वह 7,40,000 के आसपास जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR5 RAM मिलती है, 36,907 mm² का कास्केड कूलिंग सिस्टम मिलता है जिससे गेम खेलते वक्त आपका फ़ोन हीट नहीं होता है, 4700 mAh की बैटरी मिलती है 80W फास्ट चार्जिंग के साथ जिससे आपका फ़ोन 0-50% ओनली 12 मिनट्स में चार्ज हो जाता है और 0-100% ओनली 32 मिनट्स में। OS की बात करें तो फनटच OS मिलता है जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है। इस मोबाइल में हमें 2 ईयर्स के एंड्रॉयड अपडेट एंड 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। इसके 8/128 GB वाले वेरिएंट का करंट प्राइस 27,999 rupees है। लिस्ट में नंबर 1 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G। अगर आप सैमसंग लवर हैं और एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिसके कैमरा बेस्ट हो, जिससे आप नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हैं, मल्टीमीडिया भी कर सकते हैं और वो बजट में भी हो, तो आप इस स्मार्टफोन को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें हमें मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ। 12 MP का मेन कैमरा मिलता है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 8 MP का टेलीफोटो, 32 MP सेल्फी कैमरा मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिलता है, 4500 mAh बैटरी मिलती है जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में हमें केवल 15W ही चार्जर अवेलेबल है। UI की बात करें तो सैमसंग वन UI मिलता है जो लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। इस मोबाइल के 8/128 GB वाले वेरिएंट का करंट प्राइस 29,999 rupees है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।